है गाइस, नमस्ते एंड वेलकम। अब गर्मियाँ आ गई है तो अचार तो बनता ही है, तो आज बनाते हैं इंस्टेंट अचार। इसके लिए हमने ले लिए हैं गूंदा, केरी, मस्टर्ड ऑयल और नमक और इंस्टेंट अचार मसाला किसी भी कंपनी का हो। हमने मस्टर्ड ऑयल एकदम से गर्म कर लिया है। इसके बाद हम बनाते हैं अचार। तो पहले मैंने ये सारी चीज़ें गुंदा और केरी जो है उसे अच्छे से धो लिया है, पोंछ लिया है, सूख गया, तब हम बनाएंगे इसका अचार। यहाँ पे मेरा ऑयल एकदम से गर्म हो गया है और उसे ठंडा करने रख दूंगी। अब ये जो गुंदा है इसे हम अलग करेंगे पहले, बाद में कोई पत्थर हो या कोई ऐसी चीज़ हो वजनदार जिससे हम एक साइड से गुंदा की ऐसे थोड़ा सा तोड़ लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरा ना टूट जाए। ऐसे सारे गुंदे हम तोड़ लेंगे। हम यहाँ पर जिसे गुंदा कहते हैं हिंदी में, कई जगह पे से लसुड़े कहते हैं, इंग्लिश में जिसे ब्लूबेरी कहते हैं, ये ले लेने हैं और इसे इस तरह से तोड़ लेना है। ब्लूबेरी नेचुरल है तो ये इसमें एकदम से चिकना होता है, तो उसे भी कैसे निकालना है ये एक सीक्रेट है। कोई ऐसा ले लेना है धारदार चीज और नमक से इसे मिलाकर अंदर से इसका जो बीज होता है वो निकालना है और फिर नमक थोड़ा सा अंदर घुमाकर वो सारी चिकनाहट निकाल लेनी है। ऐसे सारे के सारे खाली कर देने हैं, बीज निकाल देने हैं। ये प्रोसेस करते समय हम अपने हाथ में ऑयल लगा लेंगे और खास करके नीचे मैंने प्लास्टिक की जो शॉपिंग बैग होती है वो खोलकर लगा दी है ताकि प्लेटफॉर्म गंदा ना हो। थोड़ी सी ऐसी चीज़ हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, वरना ये सारी चिकनाहट ज़मीन पर लग जाती है। इस तरह से मैं सारे गुंदे जो है वो साफ कर लूँगी। खास करके ये नमक में करना है ताकि जो चिकनाहट है वो आसानी से निकल जाए। अब मैंने इंस्टेंट मसाला ले लिया है, किसी भी कंपनी का हो ले सकते हैं। अब मैंने जो केरी ली है, कच्चा आम, उसे काट लिया है और उसमें से भी अब मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। कोई भी अचार बनाए तो उसके जो टुकड़े हैं वो एक से हो तो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, तो ये बात खास ध्यान में रखें। अब मैं ये सारे जो केरी के कच्चे आम के बड़े टुकड़े हैं वो छोटे कर लेती हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स हम ध्यान में रखेंगे तो अचार बढ़िया बनेगा। और ये अचार इंस्टेंट है, यानी कि ये एक साल तक नहीं चलेगा, ये 2-3 महीने आसानी से रह जाएगा और खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। ये खट्टा अचार बोलते हैं इसे, खट्टा और तीखा होता है तो बहुत मज़ा आता है खाने में। अब जिस जार में मुझे ये अचार स्टोर करना है उसमें देखिए मैंने केरी के जो टुकड़े हैं उसे मसाले में मिक्स करके पहला लेयर मैंने वो कर लिया है, उसके ऊपर अब मैं गुंदे का लेयर करती रहूँगी जिसमें जो मैंने बीज निकाले थे उसमें ये मसाला मैं भरती रहूँगी। देखिए अच्छे से भरना है मसाले और इस तरह से लेयर पे लेयर बनाती रहूँगी। कम से कम 2-2 इंच के लेयर बनेंगे एक गुंदा का और उसके ऊपर एक केरी के टुकड़ों का। इस तरह से लेयर बनाते जाइए और बाद में लास्ट में जो केरी है उसके टुकड़े का लेयर आ जाएगा मसाले में मिक्स करके। इस तरह से पूरा जार मैं भर लूँगी और ये अचार हम ना धूप में सुखाएंगे और ना गर्म करेंगे, फिर भी बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। तो ये जार मेरा पूरा भर गया। अब जो ये तेल मैंने मस्टर्ड ऑयल गर्म किया था वो बिल्कुल ठंडा हो गया, अब इस पर मैं स्प्रेड कर दूंगी। अब इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है ये देखना हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो देखिए हो गया है अचार रेडी, कोई भी कर सकता है, तो बनाइए अचार और मज़े कीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।